हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की बड़ी न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सभी देशवासियों को मेरी तरफ से और सक्षम एजुकेशन की तरफ से इस रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहन भाई आपस में इसी तरीके से लड़ते रहें, झगड़ते रहें और प्यार मोहब्बत के साथ रहते रहें। और मैं सभी देश की सभी बहनों से कहना चाहूंगा कि वो इस बार थोड़ा सा डिमांड कम रखें, क्योंकि इस बार कोरोना काल में सभी को प्रॉब्लम रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी के साथ में है, तो अपनी डिमांड थोड़ा सा कम रखें। चलिए साथियों, अब बात करते हैं न्यूज की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम होने हैं, तो उसको लेकर। तो फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर अब जो चीजें हैं वो 10 तारीख तक टल गई हैं, 10 अगस्त तक, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना है वो 10 अगस्त तक आना है। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं, जो हमारे एग्जाम आकलन लगाया जा रहा था कि अगस्त में हो सकते हैं, 13 अगस्त से हो सकते हैं, तो अब वो जो उम्मीद है बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि जो अब कॉलेजेस और हमारे यूनिवर्सिटी के जितने भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेजेस हैं अब उनको 31 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। यानी कि 31 अगस्त तक अब जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वो नहीं खुलेंगे। तो यानी कि नहीं खुलेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपके कोई भी एग्जाम अगस्त में नहीं होने वाले हैं। यानी कि अगर फाइनल ईयर के एग्जाम होने हैं तो वो होंगे सेप्टेम्बर में, तो सेप्टेम्बर में एग्जाम होंगे आपके, लेकिन आप तैयारी में रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम है सेप्टेम्बर में होने वाले हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी तक की जो खबर है, जो न्यूज दी जा रही है। दूसरा है जो हमारा नया सत्र शुरू होना है, यानी कि जो बच्चे प्रमोट हुए हैं उनकी क्लासेस शुरू होनी है, उनका रिजल्ट आना है, तो उसको लेकर 4 अगस्त का टाइम दिया गया था कि 4 अगस्त से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होनी है, तो अब वो भी शुरू होती नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है प्रमोट का सीसीएस यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स का। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, जैसे AKTU ने और भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने अपना प्रमोट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो इसको देखते हुए अभी जो हमारी क्लासेस हैं, जो हमारा नया सत्र शुरू होना है, तो उसकी क्लासेस शुरू होती नहीं दिख रही हैं अगस्त में, क्योंकि अभी जब तक प्रमोट का रिजल्ट नहीं आता है, क्या क्राइटेरिया है, नई गाइडलाइंस क्या है, तो अब नए सत्र की क्लासेस भी शुरू होती अभी नहीं दिख रही है। तो उसको लेकर भी यूनिवर्सिटी को विचार करना होगा कि वो नया सत्र जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जो बच्चे प्रमोट हुए हैं उनके रिजल्ट को जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। जो उम्मीद लगाई जा रही है अब जो बच्चे प्रमोट हुए उनके रिजल्ट की, वो अगस्त के लास्ट तक लगाई जा रही है कि उनका जो रिजल्ट आने वाला है वो अगस्त के लास्ट तक आने वाला है, यानी कि 20 से और 30 अगस्त के बीच में वो रिजल्ट आ सकता है। और साथियों, साथ के साथ यूनिवर्सिटी को एक सर्कुलर और निकालना होगा, जिसकी मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आ रही है, मेरे कॉलेज में भी पूछा जा रहा है, बच्चे मेरे से कभी कंप्लेंट कर रहे हैं कि कॉलेज वाले बच्चों पर प्रेशर बना रहे हैं, जो बच्चे प्रमोट हुए हैं उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, नए सत्र की फीस जमा करा रहे हैं कि 50% जमा करो, पूरी फीस जमा करो, तो उस पर भी शिकंजा कसना होगा यूनिवर्सिटी को, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि अभी तक बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, अभी उनको ये नहीं पता कि हम नए उसमें जाएंगे, आगे प्रमोट होंगे या नहीं हो पाएंगे, फेल होंगे, क्या होगा, अभी से उनके जो नए सत्र की फीस जमा कराई जा रही है, तो इसको लेकर भी यूनिवर्सिटी को कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। दूसरा साथियों, जो बच्चे इस सत्र में सीसीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए पोर्टल ओपन है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका भी डेटा नहीं मिला है, वो डेटा भी अपलोड नहीं हो पाया है, तो उसकी वजह से जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं इस सत्र के लिए अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं अभी उनको 1 से 2 दिन और वेट करना होगा, 2 से 3 दिन वेट करना होगा, इस वीक के लास्ट तक उनका जो है रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन परेशान ना हो, घबराए नहीं, अभी जो रजिस्ट्रेशन है कम से कम 1 महीने चलने वाले हैं, अभी कोई लास्ट डेट नहीं है, तो अभी वो परेशान ना हो, आपका जो एडमिशन है बहुत आराम से हो जाएगा, अभी आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है काफी टाइम बचा हुआ है। और साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, अगर आप इस वर्ष में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो एक बार वहां पर जाकर जरूर विजिट कीजिएगा, आपको अपनी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिल जाएगी, आप उसको रजिस्ट्रेशन को करेंगे और आपको जो सक्षम एजुकेशन है उसकी तरफ से कॉल आएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके साथ साथ साथियों, जो बच्चे MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं या AKTU यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं MBA के लिए, तो उनको मैं बता दूं 5 तारीख लास्ट डेट है, एक बार UPSEE ने एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिर से डेट बढ़ा दी है, 5 तारीख कर दी है। जो भी बच्चे MBA करना चाहते हैं, MCA करना चाहते हैं, MTech करना चाहते हैं या BTech या आपका BR करना चाहते हैं, BPharma करना चाहते हैं, यानी कि अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करना
चाह रहे हैं या किसी भी और दूसरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाह रहे हैं जो यूपीएस डब्ल्यूई के थ्रू आती है, तो उसके लिए आप अपना एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म जरूर फिल कर दें, क्योंकि उससे आपकी जो स्कॉलरशिप है, अब रूल रेगुलेशन चेंज हो गए हैं, उन्हीं बच्चों की स्कॉलरशिप आएगी जो बच्चे काउंसलिंग के थ्रू आएंगे। तो आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ना लेके आप काउंसलिंग के थ्रू आए तो आपको डबल बेनिफिट होने वाला है। एक तो आप काउंसलिंग के थ्रू आएंगे, आपकी हो सकता है फीस भी कम लगे, दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति शुल्क मिलता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, वो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, और जैसे ही कोई अपडेट आती है इसके लिए मैं एक नई वीडियो भी बनाने वाला हूं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। जो बच्चे इस सत्र में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अटैच है उनसे अपना हायर डिग्री करने हैं, तो उसके लिए उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।